अस्सलाम वालेकुम कैसे हो आप सब क्या हाल है आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए रेसिपी के साथ जो कि बिल्कुल यूनिक है और बहुत ही फेमस रेसिपी है जो कि आज बनाने वाले हैं हम ट्रस्ट लिचस् केक जो कि हम आसान लफ्ज़ों में मिल्क केक भी बोल सकते हैं लेकिन ये कम्प्लीटली ऑथेंटिक रेसिपी है जो कि हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं लेकिन इस रेसिपी में अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी समझ में आए मैं आगे आपको शेयर करूँगी कि हम पाँच या पंद्रह मिनट में हम मिल्क कैसे बना सकते हैं सिर्फ घर के लिए अगर आपने आ, कोई दावत अरेंज करना है ना उस वक्त आप इस तरह से कि ऑथेंटिक वाली रेसिपी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके लिए घर के लिए चाहिए जो कि जल्दी बन जाना ये सब चीज़ें नहीं करना है तो कि मैं आगे आपसे वो भी रेसिपी भी शेयर करूँगी तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए तो यहाँ पर मैं रेसिपी शुरू कर चुकी हूँ यहाँ पर मैंने टू बेकिंग ट्रेस ले लिया है जो कि ग्लास के और उसको मैंने बटर से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और उसको साइड में रख देंगे हम उसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे मैंने जैसे कि मैंने दो ट्रेस बना रही हूं तो मैं वहां पर क्वांटिटी मेंशन किया है ओनली वन ट्रे की क्योंकि अब उतना तो हर कोई नहीं बनाते ना तो अगर आपने बनाना है तो आप उसको डबल कर लीजिए अगर टू ट्रे बनाना हो लेकिन मैं मेंशन कर रही हूं वहां पर ओनली वन ट्रे की क्वांटिटी तो सबसे पहले हम यहां पर लेंगे छह अंडे और उसके वाइट और उसका योग दो अच्छा प्रेट कर देंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे टू कप शुगर यानी अगर आपने एक बनाना है वन ट्रे तो मैंने वहां पर क्वांटिटी मेंशन कर दी है कि तीन ही अंडे बना लेना है आपने और वन कप शुगर लेना है क्योंकि तो मैं बार बार बोलूंगी तो फिर वीडियो और लंबा हो जाएगा ऑलरेडी फिफ्टीन मिनट्स का वीडियो लंबा हो चुका है लेकिन मैंने जितना फास्ट कर सकती हूँ ना मैंने उतना फास्ट किया है वीडियो को लेकिन फिर भी, भी ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है ना ये तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी बन जाता है तो मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया था उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे एसेंस जो कि एक एक चम्मच और उसके बाद हम ऐड करेंगे मिल्क एक कप यानी अगर आप चाहे तो जो मैंने विस्क किया ना अंडों को आप हाथ से भी बीट कर सकते हो ये बीटर की जरूरत कंपलसरी नहीं है इस, इस पॉइंट पर आ, कि बस ये एक स्मूथ सा पेस्ट हो जाना चाहिए ताकि हमारा शुगर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए जो हमने डाला था बस उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसको साइड रख देंगे और नेक्स्ट एक बॉल ले लेंगे हम यहाँ पर टू कप्स मैदा शामिल कर लेंगे हम और उसके ये मैंने टू कप्स मैंने बोला है लेकिन मैंने यहाँ पर फोर कप शामिल किया है क्योंकि मैं दो ड्रेस बना रही थी ना तो यहाँ पर अब हम एक चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और उसको भी अच्छे से स्टेंड कर लेंगे स्टेंड करने से यही होता है कि आ, अच्छे से मिक्स हो जाता है ना बैटर केक के लिए और उसके बाद हम यहाँ पर जो बना कर रखा था ना हमने पेस्ट वो ऐड कर लेंगे योक्स वाला और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैं जब मिक्स कर रही थी कि ये थोड़ा सा हार्ड दिख रहा था मुझे बैटर तो अब इस पॉइंट पर अगर आपका भी बैटर इस तरह से थोड़ा हार्ड लगे तो आप थोड़ा सा मिल्क शामिल कर सकते हो मिल्क और अंडे हर चीज़ रूम टेम्परेचर पे ही लीजिएगा ना ही वो ठंडे होना चाहिए और ना ही वो गर्म होना चाहिए तो दूध भी नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर लिया था और बस कंसिस्टेंसी को ईजी करने के लिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तो है लेकिन बनने में बहुत ही आसानी है बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल केक्स के हिसाब से अगर आपने बहुत ही सिंपल तरीक़ा होना है आपको तो आ, मैं आगे आपको वो भी शेयर करूँगी लेकिन जो ऑथेंटिकली हम जो टेस्ट खाते हैं ना रेस्टोरेंट्स में अगर वो चाहिए तो आपने इस तरह से फॉलो करेंगे तो इन आपके पास भी आ, सेम रेस्टोरेंट वाला टेस्ट और लुक जो भी ज़रूर मिलेगा और यहाँ पर मैं एग वाइट्स को बीट करने लगी थोड़ा थोड़ा शुगर ऐड करते हुए तकरीबन चार से पांच टेबल स्पून शुगर मैंने ऐड कर लिया था और उसको हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए बीट कर लेंगे और यहाँ पर हम एकदम हाई स्पीड पर ही बीट करेंगे ताकि हमारा अच्छे से डबल फॉर्म के तरह बन जाए हमारा एक वाइट डबल ट्यूबल इन साइज हो जाता है जब ये बन जाता है इस तरह से बस उस तरह से ये बनने के लिए कम से कम तीन से पाँच से पाँच मिनट लग जाएंगे ये रेसिपी आप अपने गेस्ट के लिए ट्राई कीजिए या फिर अपने घर के लिए ही ट्राई कीजिए ये बहुत ही माउथ वाटरिंग और माउथ मेल्टिंग रेसिपी है आपने यह ज़रूर ट्राई करनी ये देखिए हमारा अच्छे प क्रीम यानी एक वाइट वाला विप क्रीम बनकर रेडी है तो इस पॉइंट पर हमारा ये डन हो जाएगा आप देख सकते हो कि ये बहुत ही रनी नहीं था ये जब मैं उठा रही थी ब्लेंडर तो ये एकदम जेली के तरह सेम विप क्रीम की तरह ही लग रहा था तब मैंने डन कर दिया था तब ये अच्छे से हो चुका था तो उसके बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और आप देखिएगा मैं मिक्स मिक्स कैसे कर रही हूँ राउंड एंड कट राउंड एंड कट उसी तरह से हम मिक्स करेंगे इसको हम जैसे चाहे वैसे मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि ये एक फॉर्म है और ये जब आप ज़्यादा तेजी से अगर आप मिक्स करोगे दिस पॉइंट तो ये फॉर्म जो है ना बैठ जाएगा तो आपने इसको आराम आराम से मिक्स करना है चाहे इसमें इस, इस पॉइंट पर आपको पाँच मिनट लग जाए या फिर सात से आठ मिनट आठ मिनट लग जाए लेकिन आपने मिक्स करना है मैंने जैसे बताया राउंड एंड कट तो हमारा फॉर्म बनकर रेडी रहे, सही रहेगा आप देख सकते हो कि मेरा बैटर डबल हो गया था जब वो ऐड किया मैंने अगर आप तेज़ी से मिक्स करोगे तो वो सिंगल हो जाएगा फिर वो अच्छे से केक हमारा राइज नहीं होगा और जैसे वो बहुत ही जो मिल्क केक का टेक्स्चर होता है ना बहुत ही सॉफ्ट एंड माउथ मेल्टिंग वो वाला टेक्स्टर नहीं आएगा तो आपने ये ज़रूर ख्याल रखना है इस चीज़ का उसके बाद हम यहाँ पर बेकिंग ट्रेस में शामिल कर लेंगे बैटर को उसके बाद मैंने यहाँ पर टूथ लिया था और उसके सारे बबल्स हम उस तरह से टूथपिक को राउंड राउंड घुमा दीजिए उसमें और उसके जो एयर बबल्स अंदर होंगे ना वो निकल जाएंगे या फिर आप एक दो बार प्लेटफॉर्म पर ही बीट कर लीजिए बेकिंग ट्रे को उसके बाद हम बेक करेंगे इसको टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस यानी फोर हंड्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट पे बीस से पच्चीस मिनट के लिए यानी आपने बीस मिनट के बाद बेकिंग ओवन uh, uh, को खोलना है और आपने टूथपिक से चेक करना है जब आपकी टूथपिक क्लीन आ जाएगी ना तब आपका केक रेडी हो जाएगा सबका ओवन अलग अलग होता है टेम्परेचर अलग अलग होता है इसलिए हमें बीस से पच्चीस मिनट का है अगर आप 20 मिनट में आगे केक रेडी नहीं हुआ तो आप 25 मिनट तक वेट कर लीजिए और इसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे एक चिल्ड बाउल मैंने इस बाउल को फ्रिज में रख दिया था डी फ्रिज में ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और इसके बाद मैंने यहाँ पर हैवी क्रीम ले ली थी और हेवी क्रीम मैंने दो कप ली थी और उसमें आ, मैंने वेनीला एसेंस भी ऐड कर दिया है और उसके बाद हम अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे आ, ताकि अच्छे से हमारी विप क्रीम डबल टिबल इन साइज हो जाए हाँ इस रेसिपी में एक बात तो है अगर आपके पास ये आ, ब्लेंडर है तो आसानी हो जाएगी करने के लिए क्योंकि मैं ऑथेंटिक वाली रेसिपी बता रही हूँ जो कि रेस्टोरेंट्स में बनता है उन लोग के पास तो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं हमारे पास इस तरह का ब्लेंडर होना ज़रूरी हो जाता है जब हम पूरी तरह से मिल्क वाला बनाते हैं लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो भी घबराइए नहीं आ, मैं आगे चल के आपसे शेयर करूँगी ईजी एंड इसके मुकाबले में भी होगी वो रेसिपी भी बहुत टेस्टी बनती है मैं आगे आपसे शेयर करेंगे इनशाला और यहाँ पर हमारी मिल्क विप क्रीम डन हो चुकी थी उसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे टू जगस और उसमें हम डालेंगे कंडेंस मिल्क जो कि वन कैन पूरा हम इस्तेमाल कर लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे एवोपरेटेड मिल्क अगर आपके पास एवॉपरेटेड मिल्क नहीं मिलता है तो आप उसको स्किप कर सकते हो लेकिन ये मिल्क की तरह होता है बड़ा अच्छा सा हो जाता है एक डिफरेंट फ्लेवर आता है लेकिन अगर आपके पास हो तो इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपके पास नहीं हो तो आप इस पॉइंट पर आ, क्रीम भी ऐड कर सकते हो थोड़ी सी हाफ़ कप क्रीम ऐड कर लें अगर आपके पास नहीं हो तो उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे एक कप मिल्क मैं आप देख रहे हो ना मैंने उसमें एक कप ऐड किया इसमें एक कप ऐड किया लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ एक ही ट्रे की क्वांटिटी और हम इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा कंडेंस मिल्क तो हार्ड होता है ना तो वो अच्छे से इसमें मिल जाए और ये रहा हमारा मिल्क जो कि हम इसमें केक के ऊपर हम इसको डालेंगे जो कि हम मैं, मैंने इसको फ्रिज में फिर से सेट होने के लिए रख दिया था वो मिल्क को ताकि वो गर्म ना हो और यहाँ पर देख सकते हो कि अब हमारा केक बेक होकर रेडी है और हमारा टूथबिक भी क्लीन आ रहा है तब की हमारा केक है। और ये है। और यहाँ देखिए मैंने डीमोल करते वक्त भी वीडियो लिया था लेकिन मैंने कैमरा मतलब ऑन नहीं किया था बस कैमरा ही ऑन था खाली वीडियो ऑन नहीं था तो गड़बड़ी हो गई खैर उसके बाद हम इसको साइड से अलग करेंगे देखिए आप देख सकते हो कितना क्लीन डीमोल्ट हो गया था कोई भी ना ही केक टूटा है ना ही केक जला है तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होंगी क्योंकि परफेक्टली हमारा एक केक बनकर रेडी है और यहाँ पर मैंने साइड्स हल्के से कट कर रही हूँ अगर हम ये साइड्स नहीं कट कर करेंगे तो जो हम मिल्क इसमें डालने वाले हैं ना तो वो अब्ज़ॉर्ब करने में थोड़ा ये साइड्स थोड़े हार्ड होते हैं ना तो अंदर तक तो अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता केक इसलिए हम यहाँ पर साइड्स कट कर लेंगे आप देख सकते हो कि हमारे साइड्स जब कट हुए तो कितने जालीदार है तो जालीदार ये होने से तो ये साइन है कि केक परफेक्ट बना है है ना तो अंदर तो आप उम्मीद कर सकते हो कि हमारा पूरा केक भी अच्छे से बन गया होगा तो अब यहाँ पर मैंने कट कर लिया था साइड्स को और इसको मैंने वॉश नहीं किया क्योंकि हम इसमें ही सेट करेंगे हमारे मिल्क केक को और उसके बाद मैंने इसमें सेट कर लिया था और उसके बाद हमें फोक की मदद मतलब से इस तरह से निशान लगाएंगे बहुत ज़्यादा निशान लगाएंगे जैसे पिज्ज़ा ब्रेड को लगाते हैं ना बहुत सारे निशान उसी तरह से मैंने बहुत सारे लगाए थे ताकि हमारा मिल्क जो हम डालने वाले हैं ना वो अच्छे से इसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाए अगर आप ये नहीं करोगे तो अंदर तक अब्ज़ॉर्ब नहीं होगा आसानी से क्योंकि जब मिल्क केक हम खाते हैं ना बस मुंह में घुल जाता है ना तो उस तरह से होना चाहिए तो उसके लिए मिल्क इसमें ऑब्जॉर्ब होना ज़रूरी है ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है आपने इसको अच्छे से निशान बना लेना है फोक की मदद से और इसके बाद जो मिल्क हम बना कर रखे थे फ्रिज में से आप निकाल लीजिए और इसको अच्छे से पोर करना है और ये आराम आराम से ऑब्जॉब करते जाएगा आपने इसको अच्छे से पोर कर लेना है और इसको हम पोर करने के बाद फ़्रिज में रखेंगे एक से दो घंटों के लिए अगर आपके पास वक्त हो तो रख लीजिए ये लेकिन मैं कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आधे घंटे के लिए तो भी रखें आप ताकि ये ये केक आराम आराम से अब्सॉर्ब करता है ना तो इसीलिए ये देखिए आधे घंटे के बाद मैंने इसको निकाल लिया था ये अच्छे से अब्सॉर्ब हो चुका था लेकिन फिर भी साइड से थोड़ा था मिल्क वो रहने वो हम रहने दे सकते हैं क्योंकि ये केक होता है ये है डिपिंग लाइक थोड़ा मिल्क ऊपर से भी दिखता है इसीलिए व्हीपिंग क्रीम को मैंने व्हिप करने के बाद फ्रिज में ही रखना है आपने बाहर नहीं ही रखना है उसके बाद फ्रिज में से निकाल कर इसको भी हम अच्छे से डिजर्ट टच देंगे जो कि हम इसको गार्निशिंग कर लेंगे ऊपर एक लेयर हम व्हिपिंग क्रीम का लगा लेंगे अच्छे से और उसको क्लीन कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर कट करेंगे इसको इस इसी पॉइंट पर आपने इसको पीसेस कर लेना है एक नाइफ की मदद से आसानी से हो जाएंगे क्योंकि हमारा केक तो मॉइस्ट होके है अच्छे से आराम से मिल्क के साथ जो कि हमने पोर किया था और उसके बाद मैंने यहाँ पर गार्निश कर लिया था रोज पेटल से ये बिल्कुल ऑप्शनल है मेरे पास थे रोज पेटल्स तो मैंने आ, कर लिया था अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं आपने सिर्फ स्ट्रॉबेरी या फिर ब्लूबेरी से इसको मोस्टली डेकोरेट किया जाता है मिल्क केक को या अगर आपके पास ब्लूबेरीज हो उससे भी कर सकते हो अगर आपके पास स्ट्रॉबेरीज हो तो उसके उससे उससे भी कर सकते हो वरना प्लेन भी चल जाता है अगर आपके पास थोड़े से बादाम या पिस्ता हो ना तो आप वो डाल लीजिए तो आप इस भी तरह से गार्निश कर सकते हो बस आ, रोज पेटल्स और स्ट्रॉबेरीज़ बड़े प्यारे लगते हैं इसके ऊपर और इसका फ्लेवर भी इसमें अच्छा आता है ना तो ऊपर से जब स्ट्रॉबेरी होता है तो मैंने इसलिए कर लिया था और ये देखिए नेक्स्ट ट्रे भी हम ये कर लेंगे और ये ई स्पेशल मिठाई भी बन सकती है आ, तो आपने अपने अगर आपको ये पसंद आई होगी तो उम्मीद करती हूँ आप मेरा चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ज़रूर करते जाइएगा और अगर आपने ईद को भी बनाना है तो ईद स्पेशल भी मीठा है ये जो कि बहुत ही ठंडक देता है अब गर्मियों में <laughs> तो हमेशा सेवैयाँ खाना ज़रूरी नहीं होता गर्मियों में ईद के लिए इस इस तरह की रेसिपी भी बहुत ही शौक से खाई जाती है और कुछ यूनिक भी होता है तो आप लोग ये ईद को जरूर ट्राई कीजिएगा उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मैं अभी आपको एक स्लाइस काट कर भी बताऊँगी कि हमारा कितना अच्छा केक बना है लेकिन इस इसके बाद भी हम इसको फ्रिज में रखना चाहिए एटलीस्ट वन टू टू आवर्स लेकिन मैंने नहीं रखा था मेरा यहीं पर डन हो गया था टाइम और उसके बाद क्योंकि शूटिंग में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन आपने तो शूट करना नहीं होता है ना तो आपके लिए आसानी हो जाएगी जल्दी से बन जाएगा मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है खैर शूट करने के लिए तो ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया था और ये देख सकते हो कि आप अच्छे से इसमें आ, मिल्क अब्जॉर्ब हो गया है या आप देख सकते हो मिल्क भी आ, नीचे से गिर रहा है तो आ, देखने पर समझ में आता है कि कितना मॉइस्ट होकर है तो मैं बहुत ही नाजुकों से इसको पकड़ते जा रही हूँ ताकि ये ब्रेक ना हो अल्लाह ख़ैर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अपना टाइम कीमती टाइम रमज़ान के वक्त निकाल कर मेरा वीडियो देखने के लिए क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है वीडियो बेशक लेकिन आपको मैंने हर चीज़ पूरी डिटेलिंग में बताई है मैंने ज़्यादा कुछ कट नहीं किया ताकि जब भी आप बना रहे हो ना तो आपको आपका रिज़ल्ट अच्छे से आए अगर मैं कट कर लूँगी ना तो फिर वीडियो कट करूँगी छोटे वीडियो छोटा वीडियो के चक्कर में तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी ना जब आप ट्राई करें आउटकम सही नहीं आएगा तो इसीलिए उसके बाद मैंने ये प्लेट में थोड़ा सा जो हम मिल्क बना कर रखे थे ना उसको मैंने थोड़ा सा बचा कर रखा था हम इसको प्लेट में इस तरह से गार्निश कर लेंगे जब जब भी आप सर्विंग करो ना इस तरह से करिए आपको एक डिफरेंट लुक दिखेगा और सामने वाले भी खुश हो जाएंगे ताकि ये कुछ डिफरेंट लिख रहा है रेस्टोरेंट में इसी तरह का होता है ना वो इस तरह से अच्छे से गार्निशिंग कर कर देते हैं तो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट लुक एंड और मजे घर पर आप इस तरह से बनाकर दिल भर खा सकते हो इसको फ्रिज में रख कर तो ये आ, मिल्क केक ज्यादा टाइम फ्रिज फ्रिज में नहीं रहता दो से तीन दिन के लिए अच्छा रहता है क्योंकि ये मिल्क केक है आप इसको वन वीक या वन एंड हाफ वीक तक नहीं रख सकते हो तो आप ये दो से तीन दिन में ख़त्म कर दीजिए वरना ये ख़राब हो जाएगा ना तो आप दो से तीन दिन रख कर आराम से खा सकते हो जो कि बड़ी फैमिली है अगर आप बाहर जा नहीं सकते तो घर पर इस तरह से बनाइए जो कि अगर छोटी फैमिली हो तो मैं आपको आगे भी शेयर करूँगी अगर आप इतना सब कुछ काम नहीं करना चाहते बस सिंपल से चाहिए और बजट फ्रेंडली भी चाहिए तो मैं आगे आपको वो रेसिपी भी शेयर करा क्योंकि मैं वो रेसिपी भी ज़्यादा बनाती हूँ ये मैं बना रही थी तो किसी के लिए इसलिए मैंने ऑथेंटिकली बनाया लेकिन अगर घर पर खाना होना मैं ये सोप चीज़ें नहीं बनाती आ, मैं थोड़ा सिंपल वे में बना लेती हूँ बस वो थ्री इंग्रेडिएंट से ही बनेगा इनशाला मैं आगे आपको शेयर करूंगी आपको बात दे रही हूँ तो इनशाला शेयर करूँगी तो वो और वो बहुत ही बजट फ्रेंडली भी है आ, लेकिन खैर थोड़ा सा टेस्ट में तो फ़र्क़ होता है जब हम आ, पूरा आ, एक, केक की रेसिपी जब हम मिल्क केक मतलब मिल्क केक की के रेसिपी जब बनाते हैं तो वो पूरा टेस्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क तो आ ही जाता है वन इज़ बीस का फ़र्क हो जाता है लेकिन हम मेंटली भी प्रिपेयर होते हैं जब हम बजट फ्रेंडली बनाते हैं ना तो हम, हम वो एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते जो रेस्टोरेंट में होता है अगर आपको रेस्टोरेंट वाला टेस्ट ही चाहिए तो आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए आपको आप आप निराश नहीं होंगे इन मैं गारंटी देती हूँ आप ज़रूर खुश हो जाएंगे जब ये आप रेसिपी ट्राई करेंगे तो जजाकल्ला खैर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट व्लॉग में उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा